हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का सैटरडे स्पेशल बूम बूम क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं एमके मिश्रा आप सभी को नाउन चैप्टर का बूम बूम क्लास देने जा रहा हूं, जो कि एक महामैराथन है। लगभग लगभग हर तरह का, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और हर तरह के क्वेश्चंस का आपको सलूशन मिलने जा रहा है। मैं 10 मिनट डिले हूं, लेकिन माफी चाहता हूं। बड़े तैयारी के लिए, बड़े आगाज के लिए आपको बड़ा कार्यक्रम भी लेना पड़ता है। थोड़ा सा सबको ही बता दें, क्या सब कुछ सही है? सन्नी यादव कह रहे हैं सुभान अल्लाह। इसके बाद नीतीश कुमार हेलो सर, गोलू कुमार अच्छा सर, अजीत कुमार अच्छा सर, पूजा झा प्रणाम सर, सब लोग खुश रहें, सब लोग आनंदित रहें। चलिए बढ़ता हूँ, आप लोगों को मैं बूम बूम क्लास की दुनिया में आज शेयर कराता हूँ। आप सभी को 4 से 5 घंटा, एटलीस्ट 4 घंटा आपको लाइव रहना है और नाउन के हर तरह का पॉइंट्स का बखिया उधर देना है। बढ़ता हूँ इधर, फेसबुक पर कृष्णा पटेल लिख रहे हैं 2018 बैच का है सर। रोहित बाबू गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग। मनीष मेहता जी सर, आप सभी लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी। चलिए बढ़ता हूँ आगे। आप लोगों को थोड़ा सा लंबे रेस में दौड़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। हल्का नाउन का क्वेश्चन कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूँ। थोड़ा सा उसको आप सभी विचारिएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नाउन का क्वेश्चन कितने तरह का आपको दिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाउन में जो दिखाने जा रहा हूं, सेलेक्ट पिन करना है। चलिए अब मैं आपको दर्शा रहा हूं, यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले नाउन का यहां देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें नाउन में कलेक्टिव नाउन से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। आपको कलेक्टिव नाउन का जो कलेक्शंस होता है कि किसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आप जानते होंगे कि किस चीज के कलेक्शन को क्या कहते हैं। नाविकों के समूह को क्रू कहते हैं, शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कई तरह के आते हैं, बिल्कुल आते रहते हैं और आते रहेंगे। दूसरा जो आपको नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन का जेंडर है, कहीं कहीं जेंडर चेंज करने पर जेंडर चेंज करके भी क्वेश्चन देता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन जेंडर बेस्ड भी देता है, इसलिए उस पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नाउन नंबर से सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो तरीका है, उससे कुछ उल्टा करके भी आपको क्वेश्चन दिखा सकता है। आपको इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपको याद रखने की जरूरत है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, वो उल्टा करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। वैसा नाउन जो सदा सदा प्लूरल होते हैं, ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं, उनको वो उल्टा सिंगुलर में डालकर क्वेश्चन कर सकता है। आपको बच के रहने की जरूरत है। वैसा नाउन ध्यान रखिएगा कि जिसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। लिखा गया हुआ है कि विच नाउन्स विच हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, वैसे नाउन जिनका सिंगुलर भी वही प्लूरल भी वही, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, उनमें एसीएस जोड़कर क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। याद रखें, वैसे नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हकीकत में वो सिंगुलर होते हैं, इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं।
कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका सकल सूरत देखने में प्लूरल लगता है और वो होते सिंगुलर हैं, जबकि कुछ ऐसे नाउन हो जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदलेगा। वैसा नाउन जिसका सिंगुलर में केवल एक अर्थ होता है, अब प्लूरल होते ही उसका अर्थ दो दो होने लगता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में केवल एक अर्थ होता है और प्लूरल होते ही दो नाउन होने लगते हैं, दो अर्थ होने लगते हैं, वैसे क्वेश्चन होते हैं। जबकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में ही दो अर्थ होते हैं, अब प्लूरल में केवल एक ही अर्थ में वो प्रयोग किया जाता है। अतः ये पैटर्न जितना मैं 10 आपको बताया हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस के प्रकार हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। तब आपको बताने जा रहा हूँ कि वैसा नाउन जिनके दो प्लूरल होते हैं या दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है, आप कुछ ऐसे नाउन को देखते हैं जिनका प्लूरल ही दो अंदाज में बनता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अतः ध्यान रखिएगा, एक सज्जन लिख रहे हैं कि सर पेन का कलर चेंज कर लीजिए। चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपका बात मान लेते हैं, और यदि आपको दिक्कत हो तो अब आप देख रहे हैं कि मैं बोला हूं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका दो प्लूरल हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए इनसे भी निपटने की जरूरत है। कुछ ऐसे मिसलेनियस रूल्स हैं, यूजेज हैं, जिस पर मैं आगे आपको चर्चा करने जा रहा हूं कि कुछ मिसलेनियस फॉर्म हैं, उनको कैसे डील किया जाए। फिर आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नाउन होते हैं कुछ जो कि एस लेते नहीं है जनरल सेंस में, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस नहीं लगता है, बल्कि एस लगते ही उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसे भी कुछ नाउन हैं, आयरन का अर्थ यदि हम लोहा बोलें तो आयरन को जैसे ही आयरन्स में बदलेंगे वो जंजीर और बेड़ी हो जाएगा, एयर मतलब हवा बोलेंगे, एयर्स बदलते ही वो अहंकार घमंड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नाउन है जो कि एस जोड़ने पर अपना अर्थ बदल देता है, उनको भी इधर उधर करके क्वेश्चन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सर आप कमेंट्री के मूड में जा रहे हैं, आप बहुत तेज जा रहे हैं। हम मानते हैं हम अभी तेज जा रहे हैं क्योंकि हमको इंट्रो पर आना है, बाद में हम क्वेश्चन पर आएंगे तो हम आपके अनुसार आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि नाउन्स विच ऑफन कन्फ्यूज इन देयर यूजेज, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। हम लोग सूट का प्रयोग करते हैं, ड्रेस का प्रयोग करते हैं, कहाँ सूट यूज होता है, कहाँ ड्रेस यूज होता है, ध्यान रखा जाए कि कहाँ क्लॉथ यूज होता है, कहाँ क्लॉथ्स यूज होता है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम पैदा करती है। तो वो कन्फ्यूजन बेस्ड जो नाउन होते हैं इनका भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुछ स्लैंग वर्ड होते हैं जो कि यूज में आते नहीं हैं, कल ही के क्लास में मैंने कुछ स्लैंग के बारे में चर्चा किया था, स्लैंग जो होते हैं उनका भी हम प्रयोग देखते हैं, वो स्लैंग यूज में ग्रामर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो गलत होता है, उस पर बचकर हमें निकलने की जरूरत है। हम लोग धड़ल्ले से इंग्लिश टीचर वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश टीचर वर्ड हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। हाँ, किसी ब्रिटिश पर अप्लाई करेंगे तो अप्लीकेबल हो सकता है। यदि हम कह रहे हैं क्या कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन कैसे होते हैं थोड़ा उसको विचारिएगा। हम लोग ब्लंडर वर्ड यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है भारी भूल, ब्लंडर के साथ लोग मिस्टेक वर्ड यूज कर देते, ये नहीं होना चाहिए, ब्लंडर अपने आप में भारी मिस्टेक है, अतः ब्लंडर के साथ मिस्टेक मत यूज कीजिएगा, उसके साथ ह्यूज मिस्टेक हो सकता है लेकिन ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो सकता। तो इस तरह सुपरफ्लुअस से भी बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सम ऑफ द होमोफोन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, होमोफोन्स वैसे होते हैं जो सुनने में उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका बदला बदला रहता है स्पेलिंग के अनुसार, स्पेलिंग उनका अलग अलग होता है, उच्चारण देखने में सेम होता है और उनको एक दूसरे के जगह पर रिप्लेस करके क्वेश्चन देता है, अतः होमोफोन से भी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में
कई तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि सम होमोफोन स्विच ऑफ एंड कंफ्यूज रीडर्स। अब कह रहा है कि सम नाउन्स यूज्ड रॉन्गली, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि गलत प्रयोग किए जाते हैं, उनका हम प्रयोग ही गलत करते हैं और वो होता कुछ और है, हम प्रयोग करने लगते हैं कुछ और। अतः ध्यान रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन है। यही मूल रूप से हम लोग जिसे एरर बोलते हैं, कॉमन एरर्स का कुछ वर्ड्स होता है सेलेक्टेड, हम उसको बताएंगे। अब आगे कह रहा है कि फॉर्मेशंस ऑफ नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो वर्ब से नाउन बदले जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो एडजेक्टिव से नाउन बदले जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो एडवर्ब से नाउन में बदले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी स्थिति आता है, इसलिए हम लोग फॉर्मेशन पर भी ध्यान देंगे। यदि हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसलेट तो उससे नाउन बना है ट्रांसलेशन, हम बोल रहे हैं ग्रेट तो नाउन बना है ग्रेटनेस। तो यदि ऐसे एडजेक्टिव से वर्ब से नाउन बदले जा रहे हैं तो वैसा भी क्वेश्चन आता है, जिसको आपको अपने पूरे सीरीज में हम क्वेश्चन दर्शाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि नाउन का पोजीशन गलत रख दिया जाता है, जहां हम नाउन को यूज नहीं करना चाहिए वहां नाउन यूज कर दिया जाता है, और जहां करना चाहिए वहां से नाउन हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। हमें आपको 20 तरह का क्वेश्चन अभी दिखाए हैं, इतना में टोटल नाउन कवरेज हो जाएगा आपको। आई हैव टॉट यू 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड दीज 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इट मीन्स क्वेश्चंस ऑफ 20 टाइप एंड यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू स्टडी दिस। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स थ्रू क्वेश्चंस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपको बताने जा रहा हूं। श्रीकांत सिंह यदुवंशी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुरु जी फेसबुक पर। कृष्णा पटेल, सर आप इंग्लिश का बादशाह हैं, ऐसा कुछ मत कहिए, सब बादशाह हैं। नमस्ते गुरु जी, संजय राजन कह रहे हैं। कृष्णा पटेल लिख रहे हैं, उड़ान देखना हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए, ये जरूर कहते रहिएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से, आज मैं आपको 300 से 400 क्वेश्चन का ड्रिल करने जा रहा हूं, 300 से 400 के बीच मैं क्वेश्चन ड्रिल करने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे के पैटर्न्स पर मैच नहीं करेगा। यानी जितना पैटर्न होगा सब आपके लिए एक अलग पैटर्न होगा, एक अलग क्वेश्चन होगा, और अलग क्वेश्चन के अलग एक्सप्लेनेशन में जैसे आप जाएंगे आपको एक नया तकनीक मिलते जाएगा। इसलिए आज का क्लास आपका लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति और धरोहर है, उसको जरा सा ठीक से देखिएगा। चलिए मैं आपको इस पर आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको अब क्वेश्चन के दुनिया में सैर कराऊंगा, जिसका मैं शुरुआत आपको करने जा रहा हूं, और एक बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बहुत बात बड़ा बोलने जा रहा हूं। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। पूरे जनरल कंपटीशन जगत को चुनौती देता हूं, आज मैं आपको अश्वमेध का घोड़ा छोड़ रहा हूं। जिसको लगाम पकड़ना हो पकड़ ले, लेकिन फिर उसको एमके मिश्रा के कलम के टंकार से होकर गुजरना पड़ेगा। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्वरूप, अपने बुम बुम क्लास में। थैंक यू। आई टेक अ प्राइड इन सेइंग दैट आवर ट्रूप हैव फॉट ब्रेवली, और इन अदर वर्ड्स दे फॉट फाइट फायर एंड विथ फायर। ध्यान दिया जाए, आई टेक अ प्राइड, यहीं प्राइड यहीं पर गलती है। प्राइड का अर्थ होता है घमंड, घमंड अहंकार। और एक बात बताइए, घमंड और अहंकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी ए एन नहीं लेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि अनकाउंटेबल में ए एन नहीं लगता है। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम गोइंग टू एन आयरन वर्क्स टू मीट द जनरल मैनेजर ऑफ दिस फैक्ट्री हु हैज प्रोमिस टू पे ऑफ माई डेब्ट। ध्यान दिया जाए कि आई एम गोइंग टू एन आयरन वर्क्स, हाँ सही वर्ड है, कहीं गलती नहीं है। वर्क का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, एक तो आप कार्य के रूप में यूज करें, एक्शन के रूप में यूज करें, तब तो ये अनकाउंटेबल हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है। आ इसको एक कार्य, दो कार्य, तीन कार्य के रूप में ए पीस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क, या एक्ट ऑफ वर्क, एक्ट ऑफ वर्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
एक कार्य का अर्थ भी अर्थ होता है, राइटिंग, ऑथरशिप, ऑथरशिप लेखनी जानते होंगे, तो वहाँ पर ये सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। गोदान इज ए वर्क ऑफ, द गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद, द गोदान एंड द गबन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, आसानी से हम बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन एक और भी बात है, जब इंडस्ट्री के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा वर्क्स का प्रयोग करेंगे, कभी वर्क का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एन आयरन वर्क्स, एक आयरन उद्योग में वो जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, टू मीट द जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से मिलने, ऑफ दिस फैक्ट्री हु हैज प्रॉमिस टू पे, कहीं गलती नहीं है, नो इरर होना चाहिए। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ्स इफ यू आर अ हिंदू, बट आई डोंट थिंक दैट वे, कह रहा है क्या कि आपको बिल्कुल मना किया जाता है यदि आप हिंदू हैं तो आपको कभी भी गोमांस खाने से रोका जा रहा है। तो अभी अभी आपको हम बताए थे बीफ आ बीव्स, याद करेंगे कि यदि कहीं बड़े किसी जानवर का मांस का बात होगा तो वहाँ पर बीफ का प्रयोग करेंगे, आ यदि पशु आदि आदि के लिए बात करेंगे डायरेक्ट जीवित तो वहाँ बीव्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बीफ का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ए लॉट ऑफ मनी वर प्रेजेंट ओवर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, ध्यान दिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम पर बहुत सारा पैसा लगाया गया, तो ए लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है, ध्यान दिया जाए कि रूपी हमेशा काउंटेबल यूज होता है और मनी अनकाउंटेबल होता है। तो मनी जब ए लॉट ऑफ तो लग सकता है अनकाउंटेबल में भी, तो यहाँ अनकाउंटेबल है तो वर नहीं क्या होना चाहिए, वॉज। एक बात ऐसे मनी में एगो बात बता दूँ कि अलग अलग देशों की मुद्राएँ हों तो वहाँ पर मनी काउंटेबल हो जाएगा और मनी को मनी में बदल सकते हैं। जनरल सेंस में आपको बता देते हैं कि मनी मनीज में नहीं बदलता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अलग अलग देशों की मुद्राओं की बात करेंगे तो हम मनी को मनीज में बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम वर के जगह वॉज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देयर फ्रीक्वेंट विजिट्स, उनका बार बार वहां जाना, टू गो टू द साइट, यहीं पर गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा। कीप द लेबर फोर्स ऑलवेज अलर्ट एंड ऑन देअर टोच, कह रहा है क्या कि बार बार यदि वो साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर जो लेबरर्स हैं वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर साइट का प्रयोग, इस साइट का अर्थ दृष्टि होता है, ध्यान रखा जाए, इस साइट का अर्थ दृष्टि होता है, जो आँख से दिखाई देता है, आँख की ज्योति, उसको साइट कहते हैं। अब जो हमें साइट लिखना है, थोड़ा सा एगो चीज़ दिखा देते हैं, साइट हो गया, ध्यान दें, दूसरा एगो साइट हो गया और तीसरा ये भी साइट हो गया, तीनों साइट है। तो ये साइट होता है ज्योति, दृष्टि, और ये जो साइट होता है ये कहीं स्थान हो जाता है, लोकेशन। और यदि हम यहाँ पर साइट कहेंगे तो ये उदाहरण देना होता है, उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरण देना, तो वहाँ साइट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब एक बात आपको मिल गया होगा कि यहाँ एस आई टी का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग करेंगे। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप, यही गलती हो गया। अभी आपको हाल ही में हमने बताया था कि ईच, एवरी वन, ईदर, नीदर, वन, एनी में ऑफ लग जाए तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है, तो एनी ऑफ द शॉप नहीं, एनी ऑफ द शॉप्स का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिस इज वन ऑफ द पोएट्री दैट वर रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पोएट्री हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, इसको पोएट्रीज में कभी मत बदलिएगा, पोएट्री ही यूज होता है। लेकिन वन ऑफ लगाया है तो हमको प्लूरल वर्ड डालना है, तो प्लूरल डालना है तो हमको पोएट्री नहीं, पोएम्स का प्रयोग बेहतर कहा जाएगा, कि यह कह रहा है कि यह दिस इज वन ऑफ द पोएम्स दैट वर रिटन बाई रविंद्रनाथ, तो रविंद्रनाथ पोएट्री नहीं, पोएम्स कई लिखेंगे तो वहाँ पर पोएम्स का प्रयोग करें, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेट्स गो टू द मूवी एंड हैव सम फन, चलिए हम लोग थोड़ा सा मूवी देखें, अभी अभी पिक्चर नहीं, पिक्चर्स बोला हूँ, मूवी नहीं, मूवीज होना चाहिए। जनरल सेंस में मूवी चलता है, लेकिन जब ग्रामर की बात पढ़ने लगेगी और पर्टिकुलरली उसको नोटिस किया जाए कि जाने लगेगा तो हम मूवी नहीं क्या यूज करेंगे, मूवीज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ही इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वो विदेश जाने का प्लान कर रहा है फॉर हायर स्टडी, ध्यान दीजिएगा कि यह स्टडी वर्ड भी बहुत अलग है। आप यदि सीधे लर्निंग्स का बात करें
लर्निंग्स का बात करें तब तो ये अनकाउंटेबल है, पढ़ाई लिखाई यदि कहें तो ये अनकाउंटेबल है। लेकिन याद रखिएगा एक बात, बहुत बढ़िया याद रखिएगा कि यदि कहीं किसी कंटेंट्स का बात करें, कंटेंट्स का बात करें तो स्टडी भी सही है और स्टडीज भी सही है, आ किसी व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई सब्जेक्ट्स आदि का बात करें तो वहाँ हमेशा स्टडीज का प्रयोग करें, कभी स्टडी नहीं यूज करें। हमेशा क्या यूज करें? हमेशा स्टडीज का प्रयोग करें। तो अब बताइएगा कि इज प्लानिंग टू गो फॉर अब्राड टू हायर स्टडी होगा कि स्टडीज होगा, वो अपना अध्ययन करने के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए जा रहा है तो स्टडी नहीं, क्या होगा? स्टडीज। आफ्टर दिस अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ये शानदार जीत के बाद ऑल द प्लेयर्स आर इन हाई स्पिरिट, यही गलती है, फ्रेज होता है इन हाई स्पिरिट्स होता है, जिसका अर्थ होता है पूरे जोश खरोश रूप में, तो इन हाई स्पिरिट नहीं, हाई स्पिरिट्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि व्हाट एवर यू हैव सेड इज ए काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू मी, आप जो भी कहे हैं वो मेरे लिए एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। एगो बात जरा सा ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आपको होमोफोन से क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझिएगा जरा। एक चीज़ देखिए, ई वाला है एक आई वाला है, तो ये जो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो पूरक यूज करते हैं वो होता है ई वाला, पूरक यूज करते हैं वाक्य को पूरा करने वाला तो वो सी ओ एम पी एल ई होता है। आ यदि किसी को तारीफ में कुछ कहा जाए तो वो आई वाला कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो अब बताया जाए कि ये काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट होगा ये या कि आई वाला कॉम्प्लीमेंट्स होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। आगे है कि गुड बॉयज डोंट मूव इन बैड कंपनीज, कह रहा है क्या कि अच्छे लड़के गलत संगत में नहीं रहते, तो यहाँ संगत का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया गया है, अतः कंपनीज नहीं कंपनी का प्रयोग होता है। ध्यान दें कंपनी वर्ब भी है, कंपनी वर्ब भी है, कंपनी नाउन भी है, कंपनी मतलब साथ देना, आ कंपनी नाउन भी हो जाता है जिसका अर्थ होता है यहाँ पर ऐसे एक कंपनी वर्ड यूज किया जाता है वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में कंपनी यूज करते हैं साथ, अतः कंपनीज नहीं क्या यूज करेंगे? कंपनी। ऑप्शन नंबर कौन मिल गया है? सी। टेम्पटेशन टू रिच इज कॉमन फेनोमेनन, कह रहा है कि धन दौलत के प्रति किसी का लालच ये आम बात है। और रिच का मतलब आप जानते होंगे कि धनी होता है, रिच का अर्थ धनी होता है, और याद रखिएगा ये रिचेज का अर्थ धन होता है, संपत्ति होती है। अब बताइएगा कि संपत्ति यदि बोलेंगे तो अब हम कह रहे हैं कि टेम्पटेशन टू द रिच होगा, टू रिच होगा कि रिचेज होगा, धन के प्रति किसी का लालच, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। वेरी फ्यू हाउसेस इन दिस विलेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पहले के आपको बताया है कि ब्रिक और स्टोन कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे तो ए सी एस नहीं लगा था, ब्रिक्स नहीं ब्रिक का प्रयोग करेंगे। आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। सी मे टेक इंसल्ट एट सच ए रिमार्क सो यू हैव टू बी केयरफुल, यदि कोई आप पर उसको कुछ टिप्पणी करते हैं तो वो अपना इंसल्ट समझेंगी नहीं, यदि रिमार्क्स कोई करे तो ध्यान दें उसे ऑफेंस समझा जाता है, वो अपने पर यानी कोई ना कोई टिप्पणी छीटा कसी समझेगी और वो ऑफेंस होता है, तो उसे इंसल्ट नहीं माना जाता है, ऑफेंस कहा जाता है, इंसल्ट वर्ड यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई किसी भी रिमार्क्स को ऑफेंस के दायरे में रखा जाता है, वो अपने लिए ये समझेगी कि आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो आपके लिए वो इंसल्ट नहीं वो ऑफेंस सिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। You will get at least passing marks in the mathematics. अभी मैं बोला हूँ कि passing marks कोई word नहीं होता है, हमेशा pass marks का प्रयोग करेंगे, option number B होना चाहिए। Getting an employment in this country is not that difficult if you have competence, यदि आपके पास योग्यता हो तो इस देश में employment पाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ध्यान दीजिए क्या कि employment uncountable है, अनकाउंटेबल है, तो एन का प्रयोग नहीं होगा, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और न ही तो गेटिंग ए जॉब का प्रयोग कर दें, बेहतर तो वर्ड यही होना चाहिए कि गेटिंग ए जॉब, अतः ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाएगा। सम रिक्वायर्ड मेजर्स
हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोसीड ऑफ द एनुअल सेल. ध्यान दिया जाए कि सम रिक्वायर्ड मेजर्स, कुछ आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है. हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोसीड के जगह प्रोसीड्स का प्रयोग होगा. प्रोसीड वर्ब है, नाउन के रूप में अगर यूज करेंगे तो प्रोसीड्स का प्रयोग किया जाएगा. ऐसे कार्रवाई भी होता है, कोई कदम भी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी. आगे क्वेश्चन आ रहा है, पेशेंस रखिए. She had promised all her sister-in-laws in order to gain possession of the whole of the inheritance. Inheritance जो होता है किसी का वंशानुगत जो प्राप्ति मिल जाती है, यानी पैतृक संपत्ति को बोलते हैं, पैतृक संपत्ति. ध्यान दिया जाए, अब हम बात कर रहे हैं पैतृक संपत्ति का बात करेंगे. तो अब एक बात बताइए कि सी हैड पॉइजन्ड, उसने जहर दे दिया किसको? ऑल हर सिस्टर इन लॉज. अभी बोले हैं कि यदि कंपाउंड फॉर्म का नाउन कोई प्रेपोजिशन लेगा तो वर्ब सॉरी प्लूरल पहले वाले का बनेगा, तो सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए. यहाँ पर ऑप्शन गलती है, ऑप्शन नंबर मिल गया होगा बी. आगे है कि नियरली 10,000 ऑफ पीपल. यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सीरियसली एगो बात देखिएगा, यदि कहीं नंबर का बात करें, 10,000 का बात करें, 5,000 का बात करें, 100 का बात करें, 500 का बात करें, नंबर के साथ यदि अगर मेजरमेंट जोड़ेंगे तो या तो डायरेक्ट पीपल यूज करेंगे और न ही तो यदि ये 10, 5 भी सब नमेरिकल्स हटा देंगे तब तो आप लिख सकते हैं उसका असीमित दायरा दर्शाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेयर प्रेजेंट देयर, और नहीं तो 100 पीपल, 200 पीपल, 500 पीपल ऐसा यूज करेंगे. तो अब एक बात बताइए कि 10,000 में ऑफ लगाना गलत है, सीधे होगा, एस भी नहीं लगेगा, 10,000 पीपल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए. आगे है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग. ये वर्ड गलती हो गया, इनिंग नहीं इनिंग्स होना चाहिए. याद रखिएगा कि यदि आप स्कोर चेज कर रहे हैं, यदि आप स्कोर चेज कर रहे हैं तो स्कोर चेज कीजिएगा तो वहाँ पर सेकंड इनिंग करा. इनिंग वर्ड जो है प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, इसमें इनिंग नहीं, हमेशा वर्ड यूज कौन सा करें? इनिंग्स यूज करें. इनिंग वर्ड मत नहीं यूज करेंगे, हमेशा इनिंग्स यूज करेंगे. प्रथम पाली फर्स्ट इनिंग्स, द्वितीय पाली सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स, अतः इनिंग नहीं इनिंग्स यूज करेंगे. हमेशा एक भी रहेगा तो इनिंग्स, कई भी रहेंगे तो इनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी. ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर एडवाइज. ध्यान दें, बॉयज स्टूडेंट्स ऐसा उसका प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ बॉय एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, अतः या कंपाउंड फॉर्म यदि है तो ये पार्ट ऑलरेडी एडजेक्टिव जैसा बिहेव करेगा, अतः बॉय स्टूडेंट्स होना चाहिए. यहाँ बॉयज स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बॉय स्टूडेंट्स कहेंगे. ये दोनों पार्ट का प्लूरल एक कंडीशन में बनेगा जहाँ हम मैन इंजीनियर कहें, ध्यान दीजिए, वुमेन डॉक्टर कहें, यानी प्रथम भाग में अगर मैन या वुमेन रहे तो दोनों पार्ट का प्लूरल बनता है. इसके अपवादित भी हैं, मैन ईटर का प्लूरल मैन ईटर्स हो जाता है, वुमेन हेटर का प्लूरल वुमेन हेटर्स हो जाता है, लेकिन ऐसे हम क्या करेंगे कि मेन इंजीनियर्स यूज करेंगे, वीमेन डॉक्टर्स यूज करेंगे. लेकिन यहाँ बॉयज स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बॉय स्टूडेंट्स होगा, आंसर नंबर ए होना चाहिए. आगे है कि सी वांटेड मी टू ब्रिंग टू ब्रेड्स एंड सम बटर फॉर ब्रेकफास्ट. ध्यान दे, टू ब्रेड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्रेड अनकाउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है, ब्रेड अनकाउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है, सिंगुलर होता है, वह भी सिंगुलर लेता है. यदि कहीं गिनती में बात करना हो तो ए पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है, ए पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं, ए लोफ ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं, ए पैकेट ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं,
स्लाइस ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब ब्रेड को यूनिट निकाल कर यूज किया जा सकता है, लेकिन ब्रेड को कभी ब्रेड्स में बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर यदि वो ब्रेड्स यूज किया है तो निश्चित रूप से गलत है। ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? बी। द इंग्लिश टीचर गेव हिम होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाई नाइट पॉजिटिवली। ध्यान रखा जाए कि द इंग्लिश टीचर, यही वर्ड गलत है, खासकर यदि नॉन इंग्लिशमैन या ये कहें कि जो ब्रिटिश नहीं है उसके लिए इंग्लिश टीचर वर्ड नहीं आता है, उसके बदले द टीचर ऑफ इंग्लिश या द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उसे टीचर ऑफ इंग्लिश का प्रयोग करेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी एगो बात समझिएगा कि इंग्लिश का मोस्ट सेंस देता है कि एडजेक्टिव के रूप में, दैट इज समथिंग विच बिलोंग्स टू ब्रिटेन, इंग्लिश रूल, इंग्लिश चैनल। आप ब्रिटिश चैनल देखते होंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर ब्रिटिश चैनल लोग पार करते हैं तो तैरकर आप सुनते होंगे, यानी इंग्लिश रूल मतलब ब्रिटिश हुकूमत था, तो ये एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता है, इसलिए इंग्लिश टीचर हम ब्रिटिश नहीं हो सकते हैं, हम टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे। ऑप्शन नंबर मिल गया होगा ए। आई हैव मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टेकल। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गलती है, स्पेक्टेकल वर्ड है, ये वर्ड दृश्य के रूप में यूज होता है। ध्यान दिया जाए कि साइट्स के रूप में, दृश्य के रूप में, स्थान के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दृश्य के रूप में हम सीनरी जैसा इसका यूज कर सकते हैं, सीनरी ना कहें, सीन्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर यह स्पेक्टेकल भी होता है और स्पेक्टेकल्स भी होता है, लेकिन जैसे ही चश्मा के रूप में बात करेंगे तो कभी स्पेक्टेकल नहीं होगा, हमेशा स्पेक्टेकल्स का प्रयोग होता है। तो आई हैव मिसप्लेस्ड, मैं खो चुका हूँ, अब बताइए उसके लिए मुझे देखना दिक्कत होगा, तो खो चुका हूँ तो सीनरी तो नहीं खोएंगे, अतः स्पेक्टेकल्स का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कैटल्स आर ड्राइवन टू द फील्ड इन द मॉर्निंग एंड दे रिटर्न होम इन द इवनिंग। ध्यान दिया जाए कि कैटल्स वर्ड नहीं, हमेशा कैटल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल यूज होता है, हमेशा प्लूरल यूज होता है, एस कभी लग ही नहीं सकता इसके साथ, अतः ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ए प्रेगनेंट वुमेन। ध्यान रखा जाए कि फ्रूट, तो फ्रूट फल के रूप में आपको पता होगा, आपको पता है कि फल के रूप में फ्रूट भी हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वेजिटेबल के रूप में आएंगे तो कभी वेजिटेबल वर्ड यूज में ऐसा नहीं आएगा, वहाँ पर साग सब्जी, हरा सब्जी के रूप में वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स आता है, अतः ऑप्शन नंबर होता है ए। वेजिटेबल यूज ऐसे करते हैं, पका हुआ आइटम जो थाली में आ जाता है उसे वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि साग सब्जी, हरा सब्जी का यहाँ सेंस देगा जो कि वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना है? He says that he has given you 20 rupees note. ध्यान दें, यह रुपीज नहीं, जब कोई यूनिट के रूप में कोई चीज रहेगा, यदि यूनिट के रूप में रहेगा तो वहां पर उसे यूनिट में एस लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी यदि कहीं नंबर रहे, नंबर के बाद कोई मेजरमेंट के बाद कोई मेजर्ड हो जाए, ध्यान रखा जाए नंबर, मेजरमेंट और मेजर्ड, तो ये बीच वाला मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होता है। हाँ, ये मेजर्ड जो है स्थिति के अनुसार सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा कि नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड, तो यहाँ पर हम 20 रुपीज नोट कहें कि 20 रुपी नोट कहें? 5 ईयर्स प्लान नहीं, 5 ईयर प्लान होता है, 10 रुपीज नोट नहीं, 10 रुपी नोट होता है। ध्यान दिया जाए, 10 मेन कमिटी नहीं, 10 मैन कमिटी होता है, अतः ये सब 10 मैन कमिटी, अतः ये सब याद रखने की जरूरत है। ये जो मेजरमेंट है सदा सिंगुलर रहता है, आपको जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। नोबडी वुड लाइक टू ईट दीज काइंड ऑफ रॉटन मैंगोज। कोई भी इस तरह का आम सड़ा हुआ नहीं खाता है। थोड़ा सा यहाँ पर दुविधा है, ध्यान दीजिए, हमेशा राइटर आपस में लड़े हुए हैं, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ में हमेशा राइटर आपस में झगड़े हुए हैं। कई राइटर कई तरह से बात करते हैं, कहते हैं कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, इसके बाद से हम जो भी नाउन यूज करें वो तो ऐसे सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको दिस दैट से, दिस दैट
दीज और दोज, इन दोनों से, इन चारों में हमेशा झगड़े हैं। अच्छे अच्छे राइटर झगड़ गए हैं, जेसी नेसफील्ड से लेकर रेन एंड मार्टी, माइकल स्वान सब, और साथ साथ ही जो मॉडर्न अभी लिख रहे हैं वो सब एक दूसरे के विपरीत लिख रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, दिस दैट के साथ तो काइंड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे राइटर लिखे हैं कि दीज और दोज के साथ भी टाइप, काइंड, सॉर्ट ही लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। जबकि मॉडर्न राइटर्स कह रहे हैं कि काइंड्स भी होता है, दीज काइंड्स ऑफ भी होता है, दीज सॉर्ट्स ऑफ भी होता है, लेकिन जनरल सेंस में आपको बता दें कि आप इस दुविधा से बचने के लिए अर्थ तो सबका एक ही निकलेगा, इसलिए दिस दैट के साथ काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ यूज करें, ये बेहतर है। दीज डोज में अगर आ ही जाए लिखने का तो काइंड, काइंड्स आपको बता दिए हैं कि राइटर आपस में झगड़े हुए हैं, ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ पर दिस काइंड का प्रयोग कर दें, आसान हो जाएगा, नहीं तो दीज काइंड्स यूज कीजिए, लेकिन दुविधा में हमेशा रहिएगा। इसलिए हम ऑप्शन इसको बी को बनाएंगे। जनरल सेंस में सब लोग ऑप्शन इसको बना रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं, हम उनको गलत नहीं काट सकते क्योंकि राइटर लिख रहे हैं ये बात। लेकिन याद रखिएगा कि दीज दोज के बाद भी काइंड यूज किया जाता है, और नहीं तो यदि आप नए मॉडर्न राइटर्स को फॉलो कीजिएगा तो दीज काइंड्स कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या कीजिएगा। दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम द मुंबई ब्रांच। ध्यान रखा जाए, मुंबई ब्रांच से वे लोग निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अवेट, एगो बहुत बढ़िया ये वर्ड आ गया बताने लायक, अवेट और वेट। ध्यान दीजिए, वेट फोर होता है, आइए बराबर अवेट होता है, अवेट में कभी फोर नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर अवेटिंग एडवाइसेस, आप पढ़े हैं बहुत बढ़िया से कि एडवाइस जो है सलाह के रूप में यूज होता है, और निर्देश के रूप में एडवाइसेस यूज होता है। तो बताइए कि वो अपने मुंबई ब्रांच से सलाह के लिए वेट कर रहे हैं कि निर्देश के लिए वेट कर रहे हैं। तो ब्रांच उनको क्या करेगा, तो निर्देश देगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा। जब इंस्ट्रक्शन देगा तो यहाँ एडवाइसेस कहीं गलती नहीं है, नो एरर होना चाहिए। आगे है कि द टू कैंडिडेट शेयर रेपुटेशन फॉर द फॉर कॉम्पिटेंसी। दो गो कैंडिडेट जो हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किए, बराबर किए, एज वेल एज फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल। यही गलती है, ध्यान दिया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं स्किल होना चाहिए। याद रखा जाए कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं स्किल का प्रयोग होना चाहिए। अब बात यहाँ बनता है कि स्किल यहाँ पर अनकाउंटेबल है, अतः एस नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर कौन बना, डी। सी हैज ऑर्डर टू डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ, अभी अभी बोला हूँ कि डजन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी यूनिट के साथ आ जाए, यदि ऑफ के साथ कब जोड़िएगा, जब न रहे तब, लेकिन जब नंबर रहे तो ये ऑफ नहीं होगा, टू डजन कॉपीज होना चाहिए तब ऑफ लगेगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है बी। दिस पीस वाज फेवरेबली रिसीव्ड एंड एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट ऑन रिलीजियस ग्राउंड। कह रहा है क्या कि जो ये पीस लिखा हुआ, दिस पीस वाज favorably received and an attempt to suppress it on religious, ध्यान दें यह स्पेलिंग पीस का गलती है, यहाँ शांति वाला पीस होना चाहिए। This peace was favorably received, ये जो शांति है वो बिल्कुल सबके लिए हितकर था, वो स्वीकारा गया। And an attempt to suppress it, और जो इसको दमन करने का प्रयास किया गया, on religious ground नहीं grounds होता है, याद रखिएगा कि यहाँ ground नहीं grounds होगा। कैसे होगा, तो ground जो है वो सतह के रूप में सही है, और इसके पहले कोई prefix लगा देंगे तब मैदान हो जाएगा, playground, battle ground, उसमें अगर यूज करेंगे तो ग्राउंड होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि सबूत के रूप में बात करना हो, किसी चीज का रीजन के रूप में बात करना हो, तो हमेशा ग्राउंड्स का प्रयोग करते हैं, ग्राउंड का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम स्पेलिंग गलती मान रहे हैं। चलिए आपको मुझे बताना यहां था, ग्राउंड नहीं ग्राउंड्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना, सी।
She could not complete even the two-third of the book due to her busy schedule. ध्यान रखा जाए, एक का बट्टा जितना कीजिएगा बिना इसका कीजिएगा, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ जितना करते जाइए, लेकिन एक से ज़्यादा का जैसे ही बट्टा कीजिएगा इस के साथ कीजिएगा, टू थर्ड नहीं टू थर्ड्स होगा, थ्री फोर्थ नहीं थ्री फोर्थ्स होगा, याद रखिएगा थ्री फिफ्थ नहीं थ्री फिफ्थ्स होगा, तो उसी आधार पर टू थर्ड नहीं टू थर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, टू पेयर ऑफ ट्राउजर्स की टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ऑप्शन नंबर ए। वी हैव डेवलप्ड अबाउट 100 पुलिसमैन इन द क्यू, हम लोग सॉरी डिप्लॉयड कर रहा है, डेवलप नहीं है, वी हैव डिप्लॉयड, हम लोग 100 गो पुलिस वाला, 100 के लिए पुलिसमैन लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, हमने 100 गो पुलिस वाला क्यू कतार में खड़ा कर दिया, एट द बॉर्डर टू चेक द एंट्रेंस ऑफ द पीपल, एंट्रेंस का तो अर्थ होता है प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, अब बताइए कह रहा है क्या कि लोगों का जो प्रवेश है उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए, तो एंट्रेंस के जगह एंट्री का प्रयोग होगा, लोगों का एंट्री जो है उसको चेक करने के लिए, तो वी हैव डेवलप्ड अबाउट 100 पुलिसमैन, सॉरी वी हैव डिप्लॉयड अबाउट 100 पुलिसमैन इन द क्यू एट द बॉर्डर टू चेक द एंट्री ऑफ द पीपल फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, ऑप्शन नंबर आपका बन गया होगा, ऑप्शन नंबर सी एंट्री होगा। दिस हाउस इज बिल्ट अप स्टोन्स, कैसे भी होगा तो ये काट दीजिएगा, और स्टोन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सीप सारे बून टू फार्मर्स हु रियर्स देम फॉर उल, ध्यान दे गलती तो इसमें और भी है लेकिन यहाँ पहला ही गलती है कि सीप्स नहीं सीप होना चाहिए, याद करें सीप डियर ऑफ स्प्रिंग, ये सब चर्चा कर रहा था मैं कि सिंगुलर भी वही प्लुरल भी है, अब यदि यहाँ पर हु फार्मर्स हो जाए तो यहाँ रियर्स नहीं रियर होना चाहिए, यहाँ भी गलती है लेकिन यदि प्रथम वाला मिल गया तो हमको पहले वाले को गलती मारना पड़ेगा। आगे है कि द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स, फिर हैंगर ऑन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए हैंगर्स ऑन, याद करें हैंगर ऑन का प्लुरल प्रेपोजिशन से यदि रहे तो प्रथम पार्ट का प्लुरल बनाया जाता है, अतः हैंगर्स ऑन होना चाहिए। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, अ फ्यू बोथ फ्यू मैनी सेवरल इन सब के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, तो अ फ्यू के खानदान लग के बाद हमें कंपनी नहीं कंपनीज का प्रयोग करेंगे, अफ्यू का खानदान बोले है फ्यू अफ्यू द फ्यू, तो ध्यान रखा जाए कि अफ्यू कंपनी नहीं कंपनीज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वेयर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, मैंने 5 पुलिस वालों को देखा जो कि बैंक डकैत के पीछे भाग रहा था। अब एक बात बताइएगा कि 5 को पुलिस वाला है तो 5 पुलिस होगा कि 5 पुलिस मैन होगा, चर्चा अभी किए थे कि पुलिस से पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिसमैन पुलिसमैन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। 5000 रुपी नहीं रुपीज होगा, मैंने कहा था आपको कि नंबर मेजरमेंट मेजर में ये बीच वाला सिंगुलर रहता है लेकिन इसको तो हम प्लुरल बना सकते हैं, तो 5000 रुपया को हम ही कहेंगे 5000 रुपीज, आई वो एक यूनिट के रूप में आ गया, एक यूनिट के रूप में आ गया, तो वर्ब सिंगुलर है कहीं गलती नहीं है, यहाँ पर गलती हुआ रुपी नहीं रुपीज का प्रयोग होगा। Can't you see that the cattle are grazing in the field, क्या कैटल को कैटल्स में बदलेंगे तो नहीं, ये गलती है, ध्यान रखा जाए। आपको आगे बढ़ रहा है कि वन ऑफ द सार्जेंट केम रनिंग फॉरवर्ड, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, सार्जेंट नहीं सार्जेंट्स होना चाहिए, सेना में आप देखते होंगे सार्जेंट मेजर होते हैं तो उन्हें सार्जेंट्स बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए, लिखा जाता है सार्जेंट और इसका उच्चारण होता है सार्जेंट, ध्यान रखा जाए कि फुटबॉल इज जस्ट वन स्पोर्ट्स, फुटबॉल एक स्पोर्ट है, एमंग द मेनी स्पोर्ट एक्टिविटीज के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, स्पोर्ट नहीं स्पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं, सिंगल भी रहेगा तो स्पोर्ट्स ही, हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है। Would you please tell me how many soaps do you use in a month, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कितना साबुन हर महीना यूज कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सॉप्स को कभी सॉप्स में नहीं बदलते हैं, जैसे आपने अभी ब्रेड के सेंस से देखा था उसी तरह सॉप होता है, तो सॉप के लिए भी एक पीस लगा देंगे, तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ सॉप होना चाहिए, और नहीं तो केक सॉप सॉप होना चाहिए,
केक सॉप, सॉप का प्रयोग किया जाता है, तो याद करें साबुन की टिकिया को केक बोला जाता है, तो यहां पर हाउ मेनी सॉप्स के जगह हाउ मेनी केक्स ऑफ सॉप का प्रयोग होना चाहिए, सॉप में एस नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर सी है। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज, कोई बात नहीं कि सिचुएशन कितना उल्टा गया हो, यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी, आ किसी के पढ़ाई लिखाई के रूप में स्टडी नहीं, स्टडीज का प्रयोग मैं बोला था, याद करें तो स्टडीज यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट्स ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर, ध्यान दिया जाए कि सम, ऑल, मोस्ट, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, इनके बाद काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों आते हैं, काउंटेबल्स आते हैं तो प्लूरल आते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, अनकाउंटेबल आते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं, तो ध्यान रखा जाए कि सम ऑफ आवर मैनेजर नहीं मैनेजर्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन बना, सी।